आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का दिल से आभार, दिल से आप सभी लोगों धन्यवाद, दिल से प्रणाम। आप सभी लोग इस चैनल के साथ इसी प्रकार से आशीर्वादात्मक व्यवहार बनाए रखें, आप लोगों से यही कामना है, यही अपेक्षा है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और आप सभी लोगों को बेहतरीन अपडेट देंगे। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को एक बात की जानकारी स्पष्ट कर दूं कि जैसे अभी केवीएस की जो वैकेंसी आई है, ठीक है, केवीएस की वैकेंसी के साथ साथ अब डीएसएसबी की भी जो है वैकेंसी के लिए जो विज्ञापन तैयार किया जा रहा है टीजीटी पीजीटी और पीआरटी का, इस विज्ञापन में आप सभी लोगों को मतलब देखने के लिए ये प्राप्त होगा कि भैया लगभग 18 से 19 हज़ार पद इसके आएंगे। पहली बार डीएसएसबी में इतने सारे पद आ रहे हैं, लेकिन आपको इसके लिए सीटेट पास करना पड़ेगा। सीटेट के अभी वैसे भी विज्ञापन चल रहे हैं और बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि मतलब सीटेट को देने से अच्छा प्रेफर करते हैं इसकी किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ जो है यूपी टेट के लिए, ठीक है, कि सीटेट थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। मुश्किल टास्क कुछ भी नहीं होता है, सीटेट भी एकदम आसान है, बस आपको परफेक्ट मैटर मिलना चाहिए कि आप क्या पढ़ें जिसकी वजह से सीटेट में आपको वही क्वेश्चन मिले, है ना, ये मायने रखता है। और जो बाल मनोविज्ञान होता है उसका पोर्शन सबसे अहम हो जाता है, और बाकी चीज़ें तो आसान ही आती हैं लगभग लगभग, लेकिन बाल मनोविज्ञान की चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा अच्छी खासी देखने के लिए मिलती हैं। साथ साथ गणित का जो पोर्शन होता है वो भी अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है। और संस्कृत में ऐसा नहीं कि मतलब संस्कृत में एकदम आसान से क्वेश्चन बनाते हैं, वो सीटेट का जो लेवल है, जो सीबीएसई का लेवल होता है, वो कायदे का पेपर सेट करता है। इसीलिए जो है मतलब आप लोगों को ये लगता होगा कि सीटेट को थोड़ा सा क्वालिफाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, नहीं प्रॉब्लम नहीं होती है, विद्यार्थी उसको समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से हमें क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कि जिसकी वजह से हमारा सीटेट में आराम से जो है वो क्वालिफाई हो जाए। जो भी विद्यार्थी इसको रिलैक्स होकर के पढ़ते हैं वो आराम से जो है 90-100 क्वेश्चन मतलब कर ही ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो विद्यार्थी एकदम डीपली इसको पढ़ ले जाते हैं वो विद्यार्थी आराम से 135-140 मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि यदि आप लोग टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त करना चाहिए। 97-41-13-85 पर आप सभी लोगों को ये नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, आप लोग इसे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जानकारियां देनी है, जो केवीएस की जो वैकेंसी आई है आप लोग जानते हैं इसमें सीटेट अनिवार्य है। अगर सीटेट आप लोग पास हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही आपको कमोबेश अब डीएसएसबी में भी देखने के लिए मिलता है और डीएसएसबी की जो वैकेंसी आएगी उसमें भी सीटेट अनिवार्य होगा। अतः अगर आपने सीटेट का फॉर्म अप्लाई किया है तो आप प्राथमिक और माध्यमिक लेवल के जो है बेहतरीन तैयारी करिए ताकि आप लोगों के एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। और कहते नहीं कि मतलब कुछ लोग खुरचाली करने वाले होते हैं कि सीटेट का मार्कशीट न जारी किया जाए 2022 का, इसके लिए भी कोर्ट का शरण लेते हैं, सारी चीजें हैं। हम ये कहते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन करो, ठीक है, प्रिपरेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिए और जो चीजें चलती हैं वो चलनी ही है, ठीक। आज आप मान लीजिए टेम्पररी स्टे ले भी लेते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्यों, क्योंकि वो सारी चीजें फिर से नॉर्मल होनी तय है, ठीक है। और आपने केवीएस के विज्ञापन में भी इस चीज को देखा होगा, उसमें दो लाइन में इस बात को स्पष्ट भी किया गया है कि बीएड वाले विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये उनकी नियुक्ति का जो प्रोसेस है, ज्वाइनिंग प्रोसेस है, वो एसएलपी जो आपकी स्पेशल अपील डाली गई है वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, जो केस आपका चल रहा है बीएड बनाम बीटीसी का, उस पर फैसला आने के बाद ही कोई निर्णय आगे लिया जाएगा। और वकीलों से बात करने के उपरांत ये सारी चीजें एकदम डिक्लेयर हो चुकी हैं
इसमें विजय एमएचआरडी मिनिस्ट्री की ही होगी, ठीक है। और चूंकि एनसीटी ने भी सारी चीजों को डिक्लेयर किया है कि 2027 तक सारे जितने भी मतलब के कोर्सेज हैं उन सारे कोर्सेज को समाप्त करके केवल बीएड को ही जिंदा रखा जाएगा, मतलब बीएड की डिग्री आगे जो है सर्वमान्य की जाएगी, बाकी सारे डिग्रियों को समाप्त कर दिया जाएगा। तो 2027 में कितने ही दिन है ना, तो इन सारी चीजों को जो है मतलब ध्यान में रखते हुए एनसीटीई ने बहुत मजबूत पक्ष रखा है बीएड डिग्री धारकों के लिए। इसलिए आपको अब चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग आराम से तैयारी करिए, बेफिक्र होकर के तैयारी करिए, और ये मत सोचिए कि मतलब कोई राहत नहीं दी गई है रीट में, रीट आदि में सम्मिलित होने के लिए बीएड विद्यार्थियों को, तो इनके अगेंस्ट ही फैसला दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप निश्चित रहिए, हमने सुप्रीम कोर्ट के अपने वकीलों से भी बात की है, उनसे डीपली इस मैटर पर बहुत डिस्कशन किया है, इसलिए उन्होंने फैक्ट वाइज सारी चीजों को जो है समझाया है, बाकायदा बताया है, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप सभी लोग प्राथमिक शिक्षा भर्ती में थे, हैं और आगे भी रहेंगे, ठीक है ना। आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, क्योंकि एक बार जो है मतलब ये सामने आ रहा था कि केवीएसआर से जो है मतलब बीएड वालों को बाहर किया जा रहा है, जो गजब की फटकार लगी थी एनसीटीई से इन लोगों को, इनकी अकल ठिकाने उसी टाइम पे आ गई थी, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को लेकर के आप लोग चिंता ना करिए, क्योंकि आपके साथ आपका ये YouTube चैनल भी है, साथ ही साथ आप लोगों को बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराने की भरपूर तैयारी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल अवश्य ही करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो बेस तैयार किया जा रहा है, मतलब जो प्रोफार्मा तैयार किया जा रहा है, उसमें 63,000 से लेकर के 74,000 पदों को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, और जो कमेटी ने रिपोर्ट दिया है उसमें 1,45,000 पदों के रिक्त होने की बात सामने आई है, ठीक है। जितने भी जिलों के एबीएसए मतलब अधिकारी लोग हैं उन्होंने बाकायदा शासन को पत्र लिखा है कि हमारे यहाँ इतने पद खाली हैं, और लगभग लगभग कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसने 1,000 के ऊपर पदों की जानकारी ना दी हो, कहीं पे 1,800 पद खाली है, कहीं 2,300 पद खाली है। और हर वर्ष लगभग एक आरटीआई मैंने लगाई थी जिसका रिप्लाई जो है प्राप्त हुआ है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं बेसिक शिक्षा विभाग ने ही इसका रिप्लाई किया है। बेसिक शिक्षा विभाग की जानकारी के अनुसार प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में 12,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षक जो है वो रिटायर हो जाते हैं, और लगभग 4,800 से 7,000 के बीच में आपके जो है मतलब रिटायर होते हैं जूनियर लेवल के शिक्षक, ठीक है। और सर्वाधिक 15,000 शिक्षक रिटायर होते हैं आपके माध्यमिक लेवल पे। और वैकेंसियाँ कितनी आती हैं, वैकेंसियाँ आती हैं कभी 4,000, कभी 3,000, कभी 5,000, कभी 15,000, ऐसी वैकेंसियाँ आती हैं, ठीक है। और इस मैटर पे सारी चीज़ों को जो है मतलब डिक्लेयर करने की जो जिम्मेदारी होती है वो शासन पे भी होती है, ठीक है। और निश्चिंत रहें आप सभी लोग, सुपर टेट की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, लेकिन यूपी टेट 2022 के बाद होगी। यूपी टेट 2022 की प्रक्रिया जो है वो दिसंबर महीने में स्टार्ट होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि इस समय बेसिक शिक्षा विभाग इसी पर कार्य कर रहा है, ठीक है। रही बात आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की, इस पे एक टेम्परेरी रोक लगा दी गई थी, ठीक है, क्योंकि पदों का वेरिफिकेशन अभी तक ये लोग कंप्लीट ही नहीं कर पाए हैं। जितने पदों का विज्ञापन जारी हुआ था, पता लगा कि मतलब रिजल्ट जारी करने के बाद इन लोगों को ख्याल आ रहा है इस बात का कि भैया हो गया जो है सत्यानाश, है ना, सारी चीजें जो है मतलब डिक्लेयर हो गई कि चलो भाई रिजल्ट जारी हो गया, अब मेरिट की बारी है। तो मेरिट को जारी करने के संबंध में जब इस बात की जानकारी प्राप्त की गई तो पता लगा कि पद ही नहीं है। जब पद नहीं है तो मेरिट जारी करके काउंसलिंग करा के नियुक्तियां कहां जो है मतलब अपने खोपड़ी पे देंगे, है ना। तो इसमें अधिकारी इसी चीज पे लगे हुए हैं, पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीटली तैयार किया जा रहा है। अब सारी चीजों को जो है मतलब जबरदस्ती करके खाली कराया जा रहा है कि आप खाली करिए इसको फटाफट जो है, तो इन सारी चीज प्रक्रियाओं में थोड़ा सा वक्त जरूर लग जा रहा है, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें जरूर है कि इसी दिसंबर महीने में पूरा प्रयत्न होगा हम सभी लोगों का, जो भी एडेड जूनियर को लेकर के कार्य कर रहे हैं या जो भी एडेड जूनियर को लेकर के चिंतित हैं, उन सभी भाई बहनों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, इसके लिए कार्य जारी है, लगातार हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि एडेड जूनियर की मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाए, ताकि
जितने भी विद्यार्थी हैं सबको थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके, विद्यार्थी काउंसलिंग आदि करा सके। काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जाहिर सी बात है विद्यार्थी इस बात को लेकर के भी आंदोलित हो जाएंगे कि हमें नियुक्तियां दी जाए, है ना। तो इन सारी परिस्थितियों से बचने के लिए पहले अधिकारी सॉरी बहुत तेज जुकाम हुई है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी इस समय भरपूर तैयारी कर रहा है कि हम फटाफट जो है पीटी का रिजल्ट जारी करते हैं। उसके बाद आप लोगों को पहला जो विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा पीटी के रिजल्ट के लगभग 24 घंटे बाद ही नई वीडियो की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। 24-48 घंटे के भीतर ही आपकी नई वीडियो की वैकेंसी को जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही ये वैकेंसी आपकी जारी होती है तत्काल बाद ही आपके वीडियो के री एग्जाम का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा और एडमिट कार्ड वगैरह भी इसके जारी किए जाएंगे, ठीक है। और सेंटरों की पूरी जानकारी मांग ली गई है 2023 जनवरी में कहां कहां सेंटर खाली हो रहे हैं, तो वीडियो का री एग्जाम जो है वो आपके कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग बेफिक्र होकर के उसकी तैयारियां आरंभ कर दीजिए यदि आप उसके अप्लायर हैं तो, ठीक है। क्योंकि पूर्ववत जितने विद्यार्थी हैं उन्हीं का एडमिट कार्ड जारी होगा, नया कोई विद्यार्थी उसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। और आप सभी लोग जो है मतलब बेहतरीन ढंग से तैयारियां करिए और बेहतरीन ढंग से एग्जाम दीजिए। और 3000 से कम पदों पर आपका नया विज्ञापन आएगा वीडियो का, ठीक। और नई लेखपाल के लिए जो है मतलब आदेश जारी हो चुका है, नए लेखपाल के पदों का सत्यापन कराया जा रहा है जो वैकेंसीज की आ रही है यूपी ट्रिपल एससी से, ठीक है। तो आप सभी लोग नए लेखपाल भर्ती परीक्षा की बेहतरीन तैयारियां करिए। पिछली बार तो बहुत सारे लोगों ने, आप सभी लोगों को सब्सक्रिप्शन आदि दिए थे और बहुत सारे लोगों ने कोर्सेज आदि दिए थे, लेकिन सब शून्य बटा सन्नाटा हो गया था, ग्रामीण विकास वगैरह से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा पाए थे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि हमारे मैटर को पढ़ करके विद्यार्थियों ने आराम से बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। और लगभग मेरे ख्याल से जितने भी विद्यार्थियों ने मेरे मैटर से पढ़ाई की होगी उन सभी विद्यार्थियों का चयन होना सुनिश्चित है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि आपको जो मैटर उपलब्ध कराए जाते हैं वो मैटर हमेशा अप्रूव्ड होते हैं और बेहतरीन ढंग से तैयार किए जाते हैं। और अब तो भाई चैनल का पूरा लोगो वगैरह नाम वगैरह सारी चीजें प्रिंटेड हो चुकी है, और इसलिए जो है मतलब आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने अपना एक अलग से बेहतरीन ढंग से मतलब नोट्स तैयार कराया है जिसमें चैनल का नाम, चैनल का व्हाट्सएप नंबर, चैनल का लोगो, सारी चीजें जो है वो लगाई गई हैं। बहुत जल्दी इस चैनल पे लोगो भी लगा दिया जाएगा मेरी फोटो हटा करके। तो आप सभी लोगों का जो बेस होना चाहिए वो बेहतरीन होना चाहिए। आप खुद ही देख रहे हैं, कंपेयर करके देख लीजिए कि जहाँ पे आप तैयारी करना पसंद करते हैं जैसे केवीएस में आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। अंग्रेजी भी पढ़िए, मैथ भी पढ़िए, विज्ञान भी पढ़िए, जीएस भी पढ़िए, सब्जेक्ट भी पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए, सारी चीज पढ़िए, सब कुछ खिचड़ी मिला करके आपको परोस देता है, लो खाओ, है ना। अब लेकिन समस्या इस बात की है कि भैया चलो यूपी में तो पर्टिकुलर एक ही चीज पढ़नी पड़ती है, अपना सब्जेक्ट ही, तो यूपी में नौकरी पाना वास्तव में बहुत आसान है, ठीक है। इसीलिए यूपी में वैकेंसी थोड़ी डाउन हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी क्यों नहीं आ रही, यही सोच रहे ना। इसकी एकमात्र वजह है शासन स्तर से पूरी चीजें डिक्लेयर हो चुकी है, उसमें कोई विवाद नहीं है, ठीक है। और लेकिन सबसे बड़ा विवाद की स्थितियां जानते हैं क्या है, अधिकारी लोग अभी केवल 6 विषयों का ही ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो है वो बांट पाए हैं, अभी शेष विषय अभी बाकी है, उन्हीं पे कार्य चल रहा है। और प्रवक्ता के पदों को थोड़ा सा कम किया गया क्योंकि मीडिया में खबरें जो है मतलब आ गई थी कि 5500 पद खाली हैं, तो 5500 पद तो जो है प्रवक्ता के नहीं आएंगे। हाँ इतनी चीजें जरूर है कि लगभग 3500 की एवब जो है वैकेंसीज आप लोगों को जीएससी लेक्चरर में देखने के लिए मिलेंगे, और उसी का एडवांटेज हमारे उन विषयों को के विद्यार्थियों को प्राप्त होगा जिन विषयों में हमेशा आप लोगों को कम पद देखने के लिए मिलते रहे, जैसे इतिहास हो गया, समाजशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, आपका भूगोल हो गया, ठीक है, अंग्रेजी हो गई, गणित वगैरह तो ठीक ठाक पद आ जाते हैं, और कामर्स आपका कृषि हो गया, ठीक है, कंप्यूटर साइंस हो गया,
इन सभी विषयों में क्या होता है कि पदों की संख्या हमेशा कम रहती है, लेकिन इस बार अच्छे खासे जीआईसी में आप लोगों को पद देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो बेफिक्र होकर के तैयारियां आरंभ कर दीजिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया करें। और एक बात आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जिस तरीके से माध्यमिक शिक्षा संवर्तन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति के मामले लगातार हाईलाइटेड हो रहे हैं और ये चीजें जानकारी सरकारी स्तर पर भी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया कि आखिर चल क्या रहा है, तो चीजें स्पष्ट होती जा रही हैं कि नए आयोग की प्रक्रिया को जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया गया और किसी भी दिन इसकी घोषणा भी हो सकती है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं इस बात की जानकारी दे दूं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में, चूंकि कुछ कॉलेजों ने, भाई प्रक्रियाएं ठप हो चुकी हैं, तो कुछ कॉलेजों ने भी ये प्रयास किया है कि भाई फटाफट जो है मतलब सदस्य वगैरह आ जाएं तो प्रक्रियाएं आगे बढ़ें, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि प्रिंसिपल का जो नया विज्ञापन आना है 2,500 पदों पर, लगभग 2,600 पदों पर, वो विज्ञापन भी अटका पड़ा है। टीजीटी बायोलॉजी 2011 का रिजल्ट जो है लटका पड़ा है। ठीक है, चलिए रिजल्ट के लिए सचिव महोदया ने कहा कि भाई 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में हम जारी कर देंगे रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट जारी करने के बाद इंटरव्यू कौन कराएगा? चयन बोर्ड की दीवारें तो कराएंगी नहीं, तो इसलिए सदस्यों का आना बहुत ही आवश्यक है। और जैसे ही सदस्य आएंगे आपके एलटी, आपके टीजीटी और पीजीटी पर कार्य शुरू हो जाएगा तुरंत। ठीक है, और आप लोगों को बहुत कम टाइम मिलेगा तैयारी याद करने के लिए, इसलिए आप सभी लोग तैयारियां आरंभ कर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया करिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।